नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं आशीष कॉमर्स क्लासेस। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं एक बार फिर से उपस्थित हूं एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है श्रम लागत यानी लेबर कॉस्टिंग। इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले उसको जान लेते हैं। पहला, श्रम क्या है। दूसरा, श्रम लागत क्या है। तीसरा, श्रम लागत नियंत्रण क्या है। इन तीनों को पढ़ेंगे और हम ये भी जानेंगे कि इनके प्रकार कौन कौन से हैं और साथ ही सभी के उदाहरण को जानेंगे। मेरे प्रिय साथियों, हमने इसका नोट्स बनाकर अपनी वेबसाइट्स पर डाल दिया है जिसका लिंक आपको हमारे इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पहला, श्रम क्या है यानी व्हाट इज लेबर। श्रम वह मानवीय संसाधन है जो व्यवसाय, संस्था एवं फैक्ट्री के उत्पादन कार्यों से सक्रिय रूप से जुड़ा होता है। उदाहरण, मजदूर या कर्मचारी के द्वारा व्यवसाय के उत्पादन में किया जाने वाला कार्य। बिना श्रम के किसी भी व्यवसाय को चलाना असंभव है। उत्पादन प्रक्रिया जिसमें कच्चे माल को अंतिम उत्पाद में रूपांतरित किया जाता है, उसमें श्रम अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। दूसरा, श्रम लागत क्या है यानी व्हाट इज लेबर कॉस्ट। श्रम लागत से तात्पर्य उन सभी खर्चों से है जो किसी भी श्रमिक या कर्मचारी को उसकी पारिश्रमिक के बदले में दिए जाते हैं। वेतन, मजदूरी, बोनस, ओवरटाइम यानी अधिसमय, कर्मचारी भविष्य निधि एवं पेंशन के साथ साथ अन्य सभी खर्चे भी श्रम लागत में शामिल हैं जो गैर मौद्रिक हैं, अर्थात जिन्हें मुद्रा के रूप में आंका नहीं जा सकता है। अब देखते हैं श्रम लागत का वर्गीकरण। श्रम लागत दो प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष या उत्पादक श्रम जिसे हम डायरेक्ट और प्रोडक्टिव लेबर कहते हैं। दूसरा, अप्रत्यक्ष श्रम या अनुत्पादक श्रम जिसे हम इनडायरेक्ट और अनप्रोडक्टिव लेबर कहते हैं। अब हम समझते हैं प्रत्यक्ष श्रम या उत्पादक श्रम। प्रत्यक्ष श्रम या उत्पादक श्रम वह श्रम है जो किसी भी सामग्री के रूप एवं आकार को परिवर्तित करने अर्थात कच्चे माल को अंतिम उत्पाद में परिवर्तित करने में सक्रिय रूप से सहायक है। प्रत्यक्ष श्रम विशेष रूप से उत्पादन कार्यों में संलग्न होता है। प्रत्यक्ष श्रम के परिप्रेक्ष्य में श्रमिक या कर्मचारी को दिया जाने वाला पारिश्रमिक प्रत्यक्ष पारिश्रमिक कहा जाता है। प्रत्यक्ष श्रम उत्पादन से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा होने के कारण उत्पादन के बढ़ने या फिर घटने पर भी परिवर्तित हो जाता है या होता रहता है। जैसे यदि 500 टन उत्पादन करना है तो 5,00,000 रुपए प्रत्यक्ष श्रम लगता है। अगर उत्पादन 1,000 टन कर दिया जाए तो प्रत्यक्ष श्रम क्या होगा, बढ़ जाएगा। और यदि उत्पादन 200 टन कर दिया जाए तो प्रत्यक्ष श्रम की लागत क्या होगी, घट जाएगी। इसके परिप्रेक्ष्य में घट जाएगा लागत। उदाहरण, कपड़ा कारखाने में मशीन चलाने वाला, फर्नीचर कारखाने में बढ़ई, ये क्या है, प्रत्यक्ष श्रम के उदाहरण हैं। अब देखते हैं दूसरा, अप्रत्यक्ष या अनुत्पादक श्रम इनडायरेक्ट और अनप्रोडक्टिव लेबर। अप्रत्यक्ष श्रम वह श्रम है जो उत्पादन कार्यों में अप्रत्यक्ष रूप से लगा होता है या प्रत्यक्ष रूप से कार्य कर रहे श्रमिक के सहायक के रूप में अप्रत्यक्ष रूप से लगा होता है। साधारण शब्दों में, अप्रत्यक्ष श्रम वह श्रम है जो व्यवसाय या फैक्ट्री के सामान तथा तकनीकी कार्यों में अप्रत्यक्ष रूप से लगा होता है। जैसे इंजीनियर, फोरमैन, सहायक आदि। श्रम लागत नियंत्रण यानी लेबर कॉस्ट कंट्रोल। श्रम लागत नियंत्रण से आशय, श्रम लागत को विशेष विधियों का प्रयोग करके न्यूनतम करना और उत्पादन बढ़ाना है। साधारण शब्दों में यह समझा जा सकता है कि उत्पादन के दौरान श्रम का इस तरह से व्यवस्थित तरीके से समुचित उपयोग करना कि श्रम पर लागत कम लगे एवं कारखाने की उत्पादकता बढ़ जाए यानी कारखाने का उत्पादन अधिकतम हो सके।
अब देखते हैं श्रम लागत नियंत्रण के तत्व यानी एलिमेंट्स ऑफ लेबर कॉस्ट कंट्रोल, यानी कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जिनके उपयोग से, जिन पे हम अगर ध्यान देते हैं तो क्या होता है, हमारा जो कॉस्ट है, जो हमारा लेबर कॉस्ट है यानी जो श्रम लागत है वो कम हो सकता है। इसमें पहला है श्रम बजट का प्रयोग यानी यूज ऑफ लेबर बजट। दूसरा है श्रम प्रभावों का प्रयोग यानी यूज ऑफ लेबर स्टैंडर्ड। हम क्या करते हैं, एक माप बना के चलते हैं, एक बनाते हैं स्टैंडर्ड, उसी के हिसाब से हम क्या करते हैं अपने सारे क्रियाकलाप को करते हैं जो क्या करता है श्रम लागत को प्रभावित करता है। उत्पादन आयोजन प्रोडक्शन प्लानिंग, हमें कैसे प्लानिंग करनी है, हमें कैसे प्रोडक्शन करना है यानी किस समय कितने गुड्स को प्रोड्यूस किया जाएगा, किस समय कितना करना है और किस समय कितना प्रोडक्शन नहीं करना है, क्या हमें संडे को प्रोडक्शन करना है, क्या हमें सैटरडे को प्रोडक्शन करना है, यानी करना है तो कितना करना है, ये सब चीज़ें क्या करते हैं हम देखते हैं, उनका पहले से आयोजन करके चलते हैं, प्लानिंग करके चलते हैं। चौथा, मजदूरी भुगतान प्रणाली का प्रयोग यानी यूजेज ऑफ वेज पेमेंट सिस्टम। पांचवा, श्रम कारोबार पर नियंत्रण कंट्रोल ओवर लेबर टर्नओवर, किस तरीके से लेबर हमारा काम कर रहा है उस पर हमें कितना खर्चा करना पड़ रहा है, क्या करेंगे इसको हम कंट्रोल करेंगे। ऋणात्मक श्रम योजनाओं का प्रभाव इफेक्ट ऑफ लेबर इंसेंटिव प्लान्स, हम क्या करते हैं जितने भी हमारी श्रम योजनाएं हैं उनका क्या प्रभाव पड़ रहा है वो भी क्या करते हैं कंट्रोल करते हैं। सातवां है श्रम कार्यक्षमता रिपोर्ट यानी लेबर एफिशिएंसी रिपोर्ट, किस तरीके से हमारा लेबर काम कर रहा है, प्रत्येक लेबर की एफिशिएंसी क्या है, एक लेबर 4 घंटे में या 5 घंटे में कितने काम कर लेता है या उसके मुकाबले अन्य लेबर 4 घंटे में उससे कम काम करता है या उससे ज़्यादा काम करता है, इन सभी चीज़ों का हम रिपोर्ट बनाते हैं और उसको बढ़िया से देखते हैं, समझते हैं। तो ये था हमारा श्रम लागत और श्रम लागत नियंत्रण। अगली वीडियो में हम श्रम लागत के अन्य पहलुओं को समझेंगे और जानेंगे। यदि आपके पास कोई प्रश्न है तो उन सारे प्रश्न को आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। आपको नीचे हमारी वेबसाइट का लिंक मिलेगा, आप वहां जाकर के बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ सकेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल हैं। आप हमसे इंस्टाग्राम फेसबुक पे भी जुड़ सकते हैं जहां हम डेली बेसिस पे क्या करते हैं कॉमर्स को उसकी छोटी छोटी पहलुओं को जानते हैं और समझते हैं। हम फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।